गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जो हमारी जीएसटीआर 9 है एंड जीएसटीआर 9C है, इसके लिए ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट जो है वो अब होने लगी है, क्योंकि इसकी ड्यू डेट 28 फरवरी 2021 यानी कि आज से एक हफ्ते बाद ही फॉल हो रही है और काफी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C की फाइलिंग में। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारा जीएसटीआर 9C का जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको लाइव प्रैक्टिकल फाइलिंग के साथ थ्योरी सेशन जो है वो दिया गया है। डिटेल्स के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, मैं आपको ड्यू डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी इसके दो बड़े रीजंस देने वाला हूं। अगर ये एक्सटेंड होती है तो 31 मार्च 2021 तक ये एक्सटेंड हो सकती है, एक महीने का एक्सटेंशन जो है वो मिल सकता है। क्यों? सबसे पहला रीजन ये है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जो हमारी ड्यू डेट थी, ओरिजिनल ड्यू डेट, वो थी 31 दिसंबर 2020, और ये फॉर्म हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए था 1 अप्रैल 2020 को, जबकि ये फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल हुआ 10 दिसंबर 2020 को, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो ओरिजिनल ड्यू डेट है उससे 20 दिन पहले तो ये फॉर्म जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल करवाया गया है। आप देख पा रहे हैं जीएसटीआर 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 इज अवेलेबल नाउ। 10 दिसंबर 2020 को यह फॉर्म अवेलेबल हुआ, जिसमें उन्होंने बताया फैसिलिटी टू फाइल एनुअल रिटर्न इन जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 इज नाउ अवेलेबल। प्लीज इंश्योर दैट ऑल द एप्लीकेबल रिटर्न्स ऑफ द सेड ईयर हैव बीन ड्यूली फाइल्ड बिफोर अटेम्प्टिंग टू फाइल द सेड रिटर्न। जब यह फॉर्म अवेलेबल हो गया, उसके बाद यहां पर जो टेबल 8A है उसके अंदर कई सारे केसेस में डेटा ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ, उसके 5 से 10 दिनों के बाद डेटा ऑटो पॉपुलेट होना स्टार्ट हुआ, तो प्रैक्टिकली 15 से 16 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म्स जो है वो अवेलेबल हो गए। जब ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल हो गए, उसके बाद जो हमारा जीएसटीआर 9C है, जिसके अंदर हम लोगों को ऑडिट एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करना होता है, उसमें काफी सारे लोगों को ये परेशानी आ रही है कि इसके अंदर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, जब 1920 सिलेक्ट करते हैं और जेसन फाइल जनरेट किया जा रहा था, तो वहां पर फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए ऑटो जनरेशन नहीं हो रहा था जेसन फाइल का, जिसके लिए एक नई यूटिलिटी प्रोवाइड करी गई इन फॉर्म वर्जन 1.7, और ये जो प्रोवाइड की गई, ये की गई 19 फरवरी 2020 यानी कि आज से 2-3 दिन पहले। ड्यू डेट है 28 फरवरी, फॉर्म्स जो हैं वो 19 फरवरी तक सारी चीजों को ठीक करके अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो ये दो सबसे बड़े कारण हैं कि फॉर्म्स इतने डिलेड आने के बाद, उसमें भी पूरी तरीके से सही फॉर्म्स नहीं आने की वजह से रिटर्न्स जो हैं नहीं फाइल हो पा रही हैं। प्लस जो ड्यू डेट्स का जंजाल था जनवरी और फरवरी महीने में, उसकी वजह से भी काफी लोगों की जीएसटीआर 9 और 9C जो है वो नहीं फाइल हुई है। तो ये एक रीजनेबल डिमांड है कि 31 मार्च 21 तक एटलीस्ट इस डेट को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन एक्सटेंशन का मतलब ये नहीं है कि आप तकिया ओढ़ करके सो जाएं। आपको अपना फाइलिंग जो है वो टाइमली कर लेना है। एक महीने का एक्सटेंशन मिलने के बावजूद भी आप इस चीज को ऐसे ना लें कि जब एक्सटेंड होगा तभी फाइल करेंगे। फाइलिंग में कोई दिक्कत आती है, आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन नहीं परचेज की है तो उसका नंबर आपको स्क्रीन पे दिया गया है, जिसके अंदर हम लोग 9C से रिलेटेड FAQs जो है वो इंक्लूड करने वाले हैं मार्च महीने के एडिशन में, हमने पिछले एडिशन में भी इंक्लूड किया है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसे प्रेस करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आपको क्या लगता है, डेट एक्सटेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।